तो आज हम बनाएंगे रुई जैसी सॉफ्ट मैसूर बोंडा। तो मैसूर बोंडा हम कैसे बनाते हैं, आइए दोस्तों हम देखते हैं। नमस्कार दोस्तों, ज्योतिष देसी रसोई में आपका स्वागत है। तो मैसूर बोंडा बनाने के लिए हमने लिए हैं 1 कटोरी मैदा। तो चलिए हम मैदा को डाल देते हैं, और जिस कटोरी से हमने मैदा लिए थे उसी कटोरी से हम 1/4 दही डालेंगे। 1 छोटी चम्मच हम जीरा डालेंगे, 1 छोटी चम्मच अजवाइन, 1 छोटी चम्मच बेकिंग सोडा, और 1 चम्मच तेल को हमने गरम करके लिए थे तो इसको भी हम डाल देते हैं, और स्वाद अनुसार नमक, 1 चम्मच अदरक और मिर्च का पेस्ट दरदरा कुटा हुआ, और थोड़े से धनिया की पत्ती, और थोड़ा थोड़ा पानी डालकर हम मीडियम घोल तैयार कर लेंगे। एक बार में हम बहुत ज्यादा पानी नहीं डालेंगे, नहीं तो बैटर हमारा पतला हो जाएगा, तो हमारा जो मैसूर बोंडा है अच्छा नहीं बनेगा। तो चलिए हम थोड़ा थोड़ा पानी डालकर अच्छा सा घोल तैयार कर लेते हैं। तो इस तरह से हम मिलाते हुए अच्छा सा घोल तैयार करेंगे। 1-2 मिनट के लिए हम इस तरह से फेंट लेंगे। तो ये देखिए बैटर जो है हमारा इस तरह का होना चाहिए। तो हमारा चूल्हा भी जल गया है, तो अब हम इसमें तेल डाल देते हैं और तेल को मीडियम गरम होने देते हैं। तो तेल हमारा मीडियम गरम हो गया है, तब हम मैसूर बोंडा को डालते जाएंगे। और उलटते पलटते हुए हम बोंडा को गोल्डन ब्राउन कर लेंगे। तो बोंडा हमारे सीख गए हैं अच्छे से, तब हम निकाल लेते हैं। इसी तरह से हम सारे बोंडे को बना लेंगे। तो ये लीजिए दोस्तों, हमारा मैसूर बोंडा बनकर तैयार है। तो हमारे मैसूर बोंडा की रेसिपी आपको कैसी लगी तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो चलिए एक मैसूर बोंडा को हम आपको तोड़कर भी दिखा देते हैं कि कितना सॉफ्ट और जालीदार बना है।